बच्चे अभी वाले जो सेशंस है ना उन्हें आपको टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दिस इज द टाइम वन यूर सुपोर शु डेवलप यूर सेल्फ तो बिल्कुल फ्रीली ट्राई करे क्वेश्चन को तो जहां कहीं भी कुछ भी रिपोर्टरिंग का स्कोप है वी शुड बी एबल टू डू देम कंफर्टेबली राइट नॉट इन ए हरी एंड ये सेशंस तो आगे हम कंटिन्यू ही रखेंगे तो जस्ट बिफोर योर एग्जाम मतलब 20, 25 डेज प्रायर टू जेई एडवांस जो सेशंस हम कंडक्ट करेंगे वो टाइम लिमिट के साथ करेंगे फाइन तो अब आप इस वीडियो को पॉज कर दें डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो इस फाइल को आप डाउनलोड कर ले कंफर्टेबली सॉल्व करें और उसमें मैंने एंड में आंसर की भी मेंशन किया है देन मैच यू आंसर विद आंसर की देन कम बैक टू द डिस्कशन ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हुए था डिस्कशन एट क्वेश्चन नंबर वन से लेकर थ्री तक वन और मोर करेक्ट कैटेगरी है वो सो फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ कॉटेक्स अपन पावर टू इज इक्वल टू दिसगरी ऑफ क्वेश्चन में बचे हिंट हमें राइट हेंड साइड में लॉग ऑफ सम है तो बहुत क्लियर है ये फंक्शन डी टी बाई टी कैटेगरी का होना चाहिए जिसमें टी साइन में है और इसका डी टी में कॉज आएगा तो बहुत क्लियर हिंट है कि आपको इसे साइन एंड कॉज में कन्वर्ट करना दैट शुड बी अ वेरी फर्स्ट स्टेप और वैसे भी हमने इंटीग्रल में ये पढ़ा जब ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन और कुछ भी समझ नहीं आता तो साइन एंड कॉस में हम उन्हें रिड्यूस करते हैं क्विक डिनोमिनेटर विल बिकम वन प्लस टू साइन पावर वन बाई थ्री अपॉन साइन पावर वन बाई थ्री बच्चे यहाँ साइन पावर वन बाई थ्री है यहाँ साइन है ये कैंसिल होगा तो यहां साइन पावर टू बाई थ्री रह जाएगा राइट सो ओवरऑल ये क्वेश्चन हो जाता है साइन पावर माइनस टू बाई थ्री अपॉन वन प्लस टू साइन पावर वन बाई थ्री अब चेक करते हैं अगर हम इसे डी कंसिडर करें क्या न्यूमिनेटर डी टी में रिड्यूस हो रहा है चेक करें डी टी इज इक्वेल टू टू बाई थ्री साइन पावर माइनस टू बाई थ्री से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना ये तो हम उसे लिख सकते हैं थ्री बाई टू डी टी तो अब ये क्वेश्चन है थ्री बाई टू डी टी अपन टी बच्चा क्या आ गया थ्री बाई टू लॉग मोड टी एंड टी फोर वन प्लस टू साइन पावर वन बाई थ्री प्लस सी अब हमें c के वैल्यू चाहिए तो उसके लिए बस मैच कर दें ए इज वॉट थ्री बाई टू बच्चा बी अस इज वन एंड सी दैट वी गेट इज टू अब आ जाए ऑप्शन पे ए प्लस बी प्लस सी मतलब थ्री बाई टू प्लस थ्री नाइन बाई टू दिस इज करेक्ट ये गलत हो गया तीनों का प्रोडक्ट जो कि है थ्री दिस इज करेक्ट दिस इज इन करेक्ट सिंपल क्वेश्चन अब चलते हैं नेक्स्ट पे बी फंक्शन सच दैट हुआ एफ ओफ एक्स का वैल्यू या तो प्लस टू है या माइनस टू है फॉर एवरी एक्स एंड इज डिस्कटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर एंड इज कॉन्टिन्यूस अदरवाइज मतलब ये फंक्शन हर इंटीजर पे तो डिस्कटिन्यूस होना ही है होना है एंड इंटीजर के अलावा किसी और जगह पर डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आ सकती फाइन अब आते हैं ऑप्शन पे नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जीरो समझे हमारा इंटरवल ऑफ डीलिंग बच्चे जीरो टू टू इन तरह के क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल नहीं लेना क्योंकि पर्टिकुलर जगह पे ना बच्चे डीआई का वैल्यू जीरो ही होता है तो इन सिचुएशन में डिस्कशन ओपन इंटरवल पे ही आप रखें सो so, से टू एंड बीच में एक इंटीजर आता है जो की वन है और वहां पर डिस्कटीन्यूटी कन्फर्म है राइट right? सो so, अब हम इसे ब्रेक कर देते हैं कि जीरो से वन के इंटरवल में ये क्या होगा वन पे ये क्या होगा एंड वन से टू में ये क्या होगा फाइन हमें बस डीआई का वैल्यू चाहिए और हमें पता है एक सिंगल जगह पे डी का वैल्यू जीरो ही आता है तो बस इसे और इसे कंबाइन करना है और हमें आंसर देना है राइट right? तो पॉसिबिलिटीज आप बताएं जीरो से वन तक में हो सकता है उसका वैल्यू टू रहा हो एक पॉसिबिलिटी राइट right? तो अगर ये टू है और यहाँ पे वन पे ग्राफ ने ब्रेक लिया डिस्कंटिन्यूटी आ गई अब बच्चे जब हम वन से टू तक की बात करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू टू भी हो सकता है माइनस टू भी हो सकता है दो केसेस अब हम यहाँ जनरेट कर लेते हैं ये एक केस आ गया And here is the second case, right? अब आप बताएं, di का value इस case में क्या आएगा स्ट्रेट वे एरिया ले लो ना ऊपर ही तो बना है तो इस रेक्टांगल का area बचे क्योंकि इस जगह पे तो di का value zero है तो हम उसे पूरी तरह से ignore कर सकते हैं continuity में ले लेते हैं so that comes out to be this is टू this is टू बचे value is four. यहाँ पे क्या आएगा Two and minus two, value is zero, right? दो possibility हमें मिल गई अब आ जाता है next case पे हो सकता है जीरो से वन तक में जो function का value रहा हो वो माइनस है तो अब वन से टू तक में वो हो सकता है टू रहा हो और हो सकता है माइनस टू रहा हो और इस केस में डीआई का वैल्यू आ जाएगा माइनस टू प्लस टू जीरो और अगर यहां पे भी नीचे है तो माइनस टू माइनस टू माइनस फोर तो जीरो को हम रिपीट तो नहीं करेंगे सेट ऑफ वैल्यूज में एक वैल्यू को हम मल्टीपल टाइम रिपीट तो नहीं करते हैं तो दो वैल्यू है एक और एडिशनल वैल्यू हमारे पास आ गया तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इसके कितने बने थ्री राइट सो हियर दिस इज थ्री यहां पर भी क्वेश्चन तो सेम ही है यहां इस सिक्स सो दिस इज रूल्ड आउट राइट नेक्स्ट इस नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन इन द इंटरवल वन टू थ्री ओपन इज सिक्स दैट मीनस हमें इसे काउंट करना है चलते हैं वन से थ्री का इंटरवल है इसका मतलब वन टू 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 पे ये ब्रेक लेना है एंड देन टू थ्री फाइन अब बच्चे इस इंटरवल में जब हम वैल्यू असाइन करेंगे तो हम इसे टू भी दे सकते हैं माइनस टू भी दे सकते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं पर्टिकुलर केस ले लेती हूँ वैसे इस इंटरवल का डिस्कशन हम टू वेज में कर सकते हैं राइट लेट मी टेक मैंने वन से टू तक में जो फंक्शन का वैल्यू है ना वो टू चूज किया दैट मीन्स बच्चा ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस यस अब इसके ग्राफ को आगे हमें बढ़ाना है तो आप मुझे बताएं कॉन्टिन्यूटी कब बनती है अगर हम टू पे कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं तो वो कब पॉसिबल होगा जब यहाँ जो वैल्यू है वही इक्वल टू यहाँ वाला वैल्यू होना चाहिए और वही इक्वल टू टू से थ्री तक का वैल्यू होना चाहिए राइट तो अगर यहाँ पे वैल्यू टू है तो टू होना चाहिए टू से थ्री तक में भी टू होना चाहिए मतलब वो एक ही तरह से हो सकता है लेकिन अगर हम टोटल पॉसिबल वेज ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू देम बात करें तो ये दो तरह से इसका वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं दो तरह से मतलब टोटल फोर वेज में हम इनके वैल्यूज डिसाइड कर सकते हैं लेकिन उसमें से एक केस ऐसा होगा जो कॉन्टिन्यूटी जनरेट करेगा एंड रिमेनिंग थ्री विल जनरेट डिसकॉन्टिन्यूटी राइट सो थ्री वेज ऑफ चूजिंग देर वैल्यूज आंसर इज सिक्स क्लियर सो हियर इट इज ये हो गया गलत फाइन बच्चे अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन ट आई बी ई पावर एक्सर डीएक्टीग्रेबल है तो इस केस में आपको इंटीग्रेल वैल्यू तो नहीं पूछा जाएगा बट ये yes, उसका लोकेशन के बारे में डिस्कशन हो सकता है और ये कटेगरी ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं मुझे इस इंटरवल में उसे इंटीग्रेट करना है और वो नॉन इंटीग्रेबल है तो मुझे बस ये बताना है की वो ग्रेटर देन वार्ड स्मॉलर देन वार्ड उस तरह का हमें डिस्कशन करना है तो पॉसिबल वेज आउट समझना एक हुआ जो बहुत बेसिक लेवल ऑफ डिस्कशन वो ये है कि आप इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट जहां कहीं भी है ये रेक्टेंगल क्रिएट कर लें एंड टॉप मोस्ट पॉइंट के साथ एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लें कैन वी से द एक्चुअल एरिया इज बिटवीन दिस एंड दिस राइट तो यहां से यह जनरेट होता है कि आई इज मिनिमम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर ए टू बी है ना बच्चे तो यह आ जाता है मैक्सिमम बी माइनस ए क्योंकि ये बी माइनस ए हुआ और ये स्मॉल एम है मिनिमम वैल्यू तो ये रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे आ गया मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है एंड बी माइनेस ये इस रेक्टेंगल का लेंथ है तो इस रेक्टेंगल का एरिया ये आ गया सो वी से दिस एक्चुअल इंटीग्रल इज सैंडविच्ड बिटवीन दिस टू तो इसमें जो आई के लिए डिस्कशन हो रहा है ना ये काइंड kind ऑफ of एक ब्रॉडर इंटरवल पे डिस्कशन हो रहा है लेकिन आई का बारे तो कुछ एग्जैक्ट वैल्यू ही होगा ना तो अगर हम इसे थोड़ा सा और प्रिसाइजली डिस्कस करना चाहे ना तो समथिंग लाइक दिस दैट वी डू हम इसे डिफरेंट इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं लेट मी टेक जस्ट वन ब्रेकिंग पॉइंट यूर यहाँ पे और हम इस एक्चुअल इंटीग्रल को ना दो हिस्से में बांट देते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है कैन आई से दिस इज ग्रेटर देन दिस रेक्टेंगल एंड स्मॉलर देन दिस रेक्टेंगल और अगर थोड़ा सा और हमें प्रिसाइज करना है आप यहाँ पे ट्रिपीजियम का भी हेल्प ले सकते हैं राइट एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू यूज ट्रिपीजियम क्योंकि जितना छोटा इंटरवल होगा ना हमारे लिए आंसर करना उतना ही इजी होगा तो यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज सैंडविच बिटवीन दिस एंड द ट्रिपीजियम एंड देन प्लस में ये आ गया वो रेक्टेंगल लोवेस्ट साइड में और ये आ गया वो ट्रिपीजियम अपर साइड में और दोनों लोएस्ट पॉसिबिलिटी को एड करेंगे तो आई का पॉसिबिलिटी मिलेगा और दोनों का हायर पॉसिबिलिटी को करेंगे तो आई का हायर पॉसिबिलिटी मिल सकता है और अगर हम इसे मल्टीपल इंटरवल में स्प्लिट करते हैं तो हमारा आंसर और क्लोजर आता जाएगा जो इंटरवल की हम बात हैं ना लोअर साइड में क्या हो सकता है हायर साइड में क्या हो सकता है वो क्लोजर आते जाएंगे ठीक है ना अब अटेम्प्ट करते हैं बच्चे इस बच्चा सबसे पहले तो हम इसका रेंज ले लेते हैं आज इज बिटवीन जीरो से वन में होता है एंड ई पावर टी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन आज यू इनक्रीज टी इट विनक्रीज सो ई पावर जीरो इसका लोएस्ट पॉसिबिलिटी होगा ई पावर वन इसका हाइएस्ट पॉसिबिलिटी होगा तो अगर हम इसकी रेंज की बात करें देन दैट इज वन टू ई फाइन एंड जैसे कि मैंने आपको बताया डी आई में पर्टिकुलर पॉइंट मैटर नहीं करते तो इसे आप ओपन इंटरवल भी लिख सकते हैं राइट right? तो अगर हम इसे यूज करें तो कैन वी से आई इज बिट्वीन स्मॉल एम इसका वन है एंड बी माइनस ए भी वन है तो दस इज वन एंड ह्योर इट इज ई इन वन राइट सो आई इज लेसर देन ई एंड आई इज ग्रेटर देन वन तो ये दोनों तो बिल्कुल परफेक्ट है ये आया डायरेक्टली रेंज से अब बाकी के जो दो ऑप्शन है उन्हें स्टडी करने के लिए क्लियर है डायरेक्टली रेंज से तो आंसर नहीं हो रहा है और जिस तरह से कंपाउंड एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है ये भी क्लियर है कि इसे ब्रेक करके ही टुकड़ों में ही उसे लिया गया है अब इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि कहाँ पे ब्रेक करना है तो उसके लिए इन्हें देख लो ना बच्चे रूट ई -E का प्रेजेंस है ये रूट ई -E में कन्वर्ट कब होगा जब एक्स का वैल्यू हाफ हो मतलब एक्स का वैल्यू वन बाय रूट टू हो ई e का कोई और पावर का प्रेजेंस इनमें नहीं है तो क्लियर हो गया कि हमें इसको इस फंक्शन को ना ब्रेक करना है आर्ट वन बाय रूट टू मतलब जीरो से वन बाय रूट टू का डिस्कशन होगा एंड वन बाय रूट टू से वन तक का होगा और दोनों को हम सम अप करेंगे करके देखते हैं एक रफ सा स्केच इसका हम तैयार करते हैं जीरो से वन के इंटरवल में एक्सक्वे जीरो से वन में होगा एंड ई पावर जीरो जीरो वैल्यू ई होगा तो वन कॉमा ई एंड ये ग्राफ कॉन्केब अपवर्ड होगा उसमें भी हमें कोई डाउट नहीं है और अगर आपको चेक करके करना है तो फंक्शन हमारा ई पावर एक्स स्क्र है एफ डैश आ गया टू एक्स ई पावर एक्स स्क्र एंड एफ डबल डैश, एफ डबल डैश से पता चलता है करवेचर के बारे में राइट एफ डबल डैश अगर ग्रेटर जीरो अपवर्ड है ये सो एफ डबल डैश इज वॉट डिफरेंशियट द फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड प्लस डिफरेंशियट द सेकंड मल्टीप्लाई फर्स्ट। एक्स का वाले जीरो से वन के बीच में तो ये क्लियरली एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये अपवर्ड बेंड कर्व है राइट तो right? अब हमें डिस्कशन को ब्रेक करना है वन बाई रूट टू पे बच्चे तो ये पॉइंट है वन बाय रूट टू कॉम आवर वन बाई रूट टू का स्क्वेयर मतलब रूट ई डन अब आगे बढ़ते हैं बच्चे बताएं यहां से लेके यहां तक यह area का ये जो एरिया का फॉर्मेशन होगा चलो मैं इसे I1 नाम दे देती हूँ इसे I2 तो I1 वन इज ऑन द लोअर साइड रेक्टांगल लेते हैं तो बताएं इसका एरिया क्या होगा दिस इज वन दिस इज वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू एंड अपर साइड में चलते हैं ट्रिपीजियम लेते हैं सो हियोर एरिया इज हाफ इन टू समू पैरल साइड मतलब रूट ई प्लस वन यस इन टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरल साइड बच्चे परफेक्ट उसी तरह से आई टू के बारे में बताए गो बच्चा दिस इज रूटी एंड इस रेक्टागल का लेंथ क्या होगा वन माइनस वन बाय रूट टू राइट तो लिख लेते हैं लोअर साइड में यह आ गया एज रूट ई इंटू वन माइनस वन बाई रूट टू हायर साइड में ट्रिपीजियम का एरिया दिस इज हाफ सम ऑफ द टू पैरल साइड मतलब ई प्लस रूटी डिस्टेंस बिटवीन दम विच इज वन माइनस वन बाई रूट टू फाइन अब दोनों को एड कर दें सो आई एस इन दोनों का सम बच्चे वन बाई रूट टू रूटी वन माइनस वन बाय रूट टू एंड यहाँ वन बाई टू रूट टू है इन्हें हम कंबाइन कर देते हैं यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं ना बच्चे तो रूट टू माइनस वन बाई रूट टू का प्रेजेंस क्रिएट होगा तो यहाँ पे भी टू रूट टू है यहाँ पे अगर हम रूट ई e को कॉमन ले लेते ले हैं तो रूट वन होगा जो कि यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो कॉमन पार्ट को हम एक साथ सेपरेट कर देते हैं रूटी प्लस वन बच्चा अब क्या बचेगा यहाँ पे वन और यहाँ पे रूट ई इन टू बच्चे रूट टू माइनस वन अब आ जाए ऑप्शन में आई इज ग्रेटर देन दिस आज इट इज ही है एंड आई इज स्मोलर देन चेक करे वन बाई टू रूट टू रूटी प्लस वन वन प्लस रोटी इंटू रूट टू माइनस वन परफेक्ट क्लियर नेक्स्ट कैटेगरी बच्चे अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस फाइव कॉस एक्स होल स्क्टीग्रेट करना है और हिंट भी हमें यहीं से मिल रहे हैं मिक्सचर ऑफ फंक्शन है विद समी चॉइस है exponent, एक ही इसे हमें टी कंसिडर करना होगा लेकिन अगर हम इसे टी कंसिडर करें ना तो डी टी में एक्सक्वेयर का प्रेजेंस तो क्रिएट नहीं होगा तो क्लियर है इसे हम टी कंसिडर करेंगे लेकिन उससे पहले हमें कुछ और करना होगा राइट right? अब आ जाए यहाँ पे ट्वेंटी है यहाँ फाइव है फाइव इंटू फोर और वो भी dt में है मतलब इसके डिफरेंशिएशन में आना चाहिए और हमें पता है जब हम x पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो n x पावर n माइनस वन क्रिएट होता है राइट तो अगर हम यहाँ पे 20 चाहते हैं तो यहाँ पे x पावर फोर का प्रेजेंस हमें लाना होगा पहले राइट तो उस चीज को सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं तो x पावर फोर हमें यहाँ चाहिए तो ओवरऑल ही हमें x पावर फोर का प्रेजेंस जनरेट करना होगा मतलब हम ऊपर और नीचे x पावर एट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी वो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर x पावर फोर के फॉर्म में जाएगा राइट तो देखें x पावर एट एक्स स्क्र प्लस ट्वेंटी डीएक्स अपॉन ह्योर एक्स पावर फाइव क्योंकि एक्स पावर फोर एंड देर इज ऑलरेडी वन एक्स दैट इज एक्सिस्टिंग तो बच्चा ये हो जाएगा फाइव एक्स पावर फोर कॉस होल स्क् राइट क्विकली अब कुछ भी सोचना नहीं है इसे हमें टी कंसिडर करना है और देखना है क्या यह इंटीग्रेबल फॉर्मेट बन पा रहा है तो अगर यह टी है तो हमें डीटी का प्रेजेंस तो चाहिए सो डी टी विल बी व्हाट डिफ्रेंशिएट द फर्स्ट

उसमें आप देख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू कॉस्ट कॉमन अगर हम लेते हैं तो एक्सक्यूबी का प्रेजेंस जनरेट हो रहा है मतलब यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक एटलीस्ट वो पार्ट तो हैंडल होगा राइट right? अब देखिए क्या करना है हमे? हमें हमें डी बनाने के लिए इनकी भी जरूरत है लेकिन हमारे पास ये है हमें एक्स क्यूब एक्स पावर एट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हम एक्स क्यूब एंड एक्स पार फाइव के फॉर्म में से ब्रेक कर देंगे और हमें एक एडिशनल कॉस्ट की भी जरूरत है तो कोई बात नहीं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं तो जैसे हम इसे टी कंसिडर करेंगे ना तो ये पार्ट उसका डी में कन्वर्ट हो जाएगा तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसका वो वाला पार्ट जो हमें कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था ना उसे तो हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं मतलब इसका एक हिस्सा हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और इस तरह के सिचुएशन में इमीडिएटली इंटीग्रेशन बाई पार्ट इंटीग्रेशन बाई पार्ट टुकड़ों में इंटीग्रेशन ये प्रोसेस बना ही इसीलिए है राइट right? तो ये पार्ट इसका इंटीग्रेबल है और इस पार्ट को हम डिफरेंशियट कर सकते हैं तो जिसे हम डिफरेंशियट करते हैं उसे हम U करते हैं और जिसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं उसे हम DV लेते हैं हैं देन इंटीग्रेशन इज जैसे भी आप अप्लाई करते हैं, कर ले उसी तरह से कुछ बच्चे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके करते हैं जैसे भी करने की आदत है ना कर ले बट आई डू इट बाय शॉर्टकट तो उसके लिए एक्स पावर फाइव अपॉन कॉज को हमें डिफरेंशिएट करना है और ये पार्ट इंटीग्रेट होगा दैट इज एक्स क्यूब कॉज एक्स स्क्स ट्वेंटी अपॉन एक्स पावर फाइव साइन प्लस फाइव एक्स पावर फोर कॉस होल स्क्वेयर फाइन अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चे आई नीड सम स्पेस तो मैं इसे क्लियर ऑफ कर देती हूं सो डिफ्रेंशिएट द न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई विथ द डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशियट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ द न्यूमिनेटर अपॉन स्क्वेयर ऑफ़ फाइन और इसका इंटीग्रल दिस इज टी दिस इज डी टी डी एक्स के साथ आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर राइट सो वीब डी टी बाई टी स्क् वट इज इट माइनस वन बाई टी तो ये हुआ माइनस वन बाई एक्स पावर फाइव इंटू एस प्लस फाइव एक्स पावर फोर इंटू सी परफेक्ट अब इसे क्लोज करते हैं दिस माइनस दिस ऑल्टरनेट साइंस के साथ इन In इंटीग्रेशन में ये प्रोसेस आपको बताया है कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है ना क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाई पार्ट का बहुत एग्जीक्यूट कर सकते हैं so, this this, cos, 5, है, so और ये आज इट इज कैंसिल हो जाएगा एंड बिल्ड विथ वन बाई कॉस स्क्र एंड दैट इज सी स्क्वेयर एक्स जो क्लोजिंग वाला स्टेप होता है ना सेम लेवल पे वो इंटीग्रेशन में लिखा जाता है फाइन और इसे इंटीग्रेट कर लेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्टेंट ठीक है ना अब आ जाते हैं जो हमें राइट हैंड साइड में गिवन है टैन एक्स प्लस सी मतलब ये प्रेजेंस तो एज इट इज यहाँ पे है और ये जो है वो यहाँ से क्रिएट हो रहा है और वो एक्स सेक एक्स माइनस साइन है यहाँ पे भी माइनस साइन है एक्स सेक एक्स वन बाई कॉज से तो ये बन गया सेक राइट एक्स पावर फोर को हम कर देते हैं कैंसिल तो ये हो गया एक्स सेक एक्स तो ये तो कन्फर्म्ड है इसका प्रेजेंस यहाँ पे है नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स इंटू साइन प्लस करेक्ट अब खत्म हो गई बात आपको एफ ऑफ जीरो फाइंड करना है बच्चे एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दें ये हो गया एंड देव कॉस्ट जीरो इज फाइव आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बच्चा क्लियरली आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कंपाउंड एक्सप्रेशन है एंड दैट टू इज सच ए लार्ज एक्सपोनेंट तो क्लियर है का तो यूज हमें लेना ही है और ये इवन पावर है एक्स में तो अगर हम इसे टी कंसिडर करें तो डी टी क्या टू एक्स डीएक्स राइट तो देखते हैं क्या न्यूमिरेटर में हमारे पास टू एक्स डीएक्स का प्रेजेंस है टू ना भी हो तो चलेगा हम जनरेट कर सकते हैं एक्स डीएक्स का प्रेजेंस है क्या बिल्कुल है एक एक्स हम ले लेते हैं कॉमन देन वी आर लेफ्ट विथ दस प्लस वन इंटू एक्स डीएक्स अपॉन एक्स स्क्स टू होल पावर वन थाउजेंड राइट फर्स्ट स्टेप वी आर थ्रू अब इसे हमें टी कंसिडर करना है तो ये आ जाएगा dt टी बाई टू लिख लेते हैं दिस इज वन बाई टू डी टी अपॉन टी पावर वन थाउजेंड डिनोमिनेटर जैसे सिंप्लीफाई होता है ना वी ऑन द राइट ट्रैक अब हम उसे बहुत ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं अब इसका जो बाकी का हिस्सा है उसे भी हमें t में कन्वर्ट करना होगा और वो बहुत इजिली किया जा सकता है क्योंकि एक्स स्क्र है t माइनस टू और बच्चा ये एक्स स्क्र का कौन सा पावर है नाइन नाइन एट करेक्ट तो हम इसे लिख सकते हैं t माइनस टू पावर नाइन नाइन एट प्लस वन एकदम ध्यान से करना है अटेंशन रखते हो कोई भी टर्म मिस ना हो अब न्यूमिनेटर एडिशन में है डिनोमिनेटर में बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है तो इसे तो इसे कर देते हैं हम स्प्लिट सो इंटीग्रल ऑफ टी टी माइनस होल पावर पावर अपॉन एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट बच्चे जो इजिली इंटीग्रेट हो सकता है वन बाय दस टी पावर माइनस वन थाउजेंड डी टी करेक्ट तो इसे इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं टी माइनस टू होल पावर नाइन नाइन एट है और अगर सिर्फ ये होता तो कोई दिक्कत नहीं है हम उसे इंटीग्रेट कर लिए होते लेकिन डिनोमिनेटर में भी कुछ है अब वो हैंडल कैसे होगा तो नाइन नाइन एट है बच्चे तो इसे अगर हम नाइन नाइन एट में कन्वर्ट करके इसके साथ कंबाइन कर दें तो एटलीस्ट एक पार्ट तो उसका सिंपल बन जाएगा करके देखते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा वन बाई टी स्क्र एक्स्ट्रा एंड टी पावर नाइन नाइन एट इसके अंदर जाएगा तो टी बनते हुए जाएगा जो की वन माइनस टू बाई टी का फॉर्मेशन करेगा लुक एट नाउ क्या अब हम राइट right ट्रैक पे जाते हुए दिख रहे हैं क्या अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इसे तो कर देते हैं कंप्लीट ओके सो टी पावर माइनस नाइन 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 अपॉन माइनस नाइन 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 सो दिस इज नाइन 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 इंटू टी पावर नाइन 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 परफेक्ट अब नेक्स्ट स्टेप इसके इंटीग्रेशन के बारे में सोचें लीनियर नहीं है लेकिन इतना हाई पावर है द ओनली चॉइस इज सफ्टिच्यूशन सो इफ यू कंसिडर दिस टू बी यू बेटा व्हाट इज डी यू टू बाई टी स्क्टी राइट right? हमारे पास वन बाई टी है तो बात बन गई यहाँ पे क्या आ जाएगा वन बाई टू दिस इज वन बाई टू डीयू फ्रेम कर रहे हैं ना हम तो वन बाई टी स्क्म बाई टू डी राइट तो u पावर नाइन नाइन एट डीयू अब ये कितना इजीली इंटीग्रेट हो सकता है बच्चे दिस इज वन बाई नाइन 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 टी पावर नाइन 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 अब हमारा ये लास्ट स्टेप है बच्चे मैं वन बाई टू को भी कॉमन ही ले, ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा u पावर नाइन 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 अपॉन नाइन 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 और u क्या है हमारे लिए दिस इज दिस तो इसे मैं लिख देती हूँ आज t माइनस टू अपॉन टी होल पावर नाइन 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 अपॉन नाइन 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 और क्योंकि मैंने वन बाई टू कॉमन लिया था तो इसे टू बाई टू करते हुए वन बाई टू बाहर चला गया तो वी आर लेफ्ट इट टू अपॉन नाइन 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 इंटू टी पावर नाइन 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 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट और खत्म हो गई अब कहानी यहाँ पे आप देखें पावर नाइन 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 यहाँ पे भी है और नाइन 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 यहाँ पे भी है यहां पे भी, है, यहाँ पे भी है, इसे तो हम ले, ले लेते हैं कॉमन तो दिस इज वन बाई फोर इन नाइन 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 टी पावर नाइन 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 मतलब टी हमारे लिए ये है सो एक्स स्क् प्लस टू होल पावर नाइन 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 क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में गिवन है ना आगे अब आपको न्यूमिरेटर को सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं आप यहीं से आंसर कर सकते हैं लेकिन हम कर ही लेते हैं टी माइनस टू विल बी फोर्थ

जियेक्स ओके okay? y इक्वल टू जियो एक्स x, x एंड ओडी नेट x equal to वन एंड एक्स इक्वल टू टू आपकी फाइल में ये जियेक्स ही है इसमें okay? चेंज नहीं हुआ है तो ये गिवन है और जो हमें फाइंड करना है बच्चे वो है मॉड ऑफ x dx वन टू टू मैंने मॉड क्यों लिखा है क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो जियो एक्स एक साक्ष से नीचे है या एक एक्सिस से ऊपर है तो एरिया कैलकुलेशन में तो बच्चे अगर ये एरिया नीचे की ओर बना है तो डीआई का वैल्यू नेगेटिव होता है तो हमें उसे पॉजिटिव कंसिडर करते हुए एरिया लेना होता है राइट तो जब कभी भी क्लैरिटी ना हो तो आप मॉड लेके प्रोसीड कर जाए अब देखते हैं क्या हम यहाँ से ये जनरेट कर सकते हैं पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे जियोफेक्स का प्रेजेंस दैट दू इन टर्म्स ऑफ सेकंड डिग्री जियोफेक्स एंड यहाँ जीरो टू वन लिमिटेड वन टू टू तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है हमें जीओफेक्स को किसी भी हाल में सॉल्व करना होगा जो आएगा फिर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे अब सॉल्व कैसे करें यहां से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है राइट right? तो इन सिचुएशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप आप देखना सिक्स एक्स क्यूब है विथ जीओ एंड देन वी हैव जी स्क्वेर राइट कुछ अलजेब्राइक डीलिंग में भी हम इस तरह का ट्रिक यूज करते हैं क्या है वो विल ट्राई एंड कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वेर इन जी क्योंकि x से हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए जी ही एक प्रॉब्लम है जी को ही हमें फाइंड करना है तो जी में हम परफेक्ट स्क्वेयर बनाना चाहते हैं और यहाँ प्रेजेंस माइनस जी स्क्वेयर के साथ है तो जी स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स क्यूब इंटू जी हम इसे लिख सकते हैं बच्चा तो ये हमारे लिए ए स्क्वेयर है और ये है टू ए इंटू बी ए ये है टू को हटा दे मतलब थ्री एक्स क्यूब यहाँ पे रह जाता है तो उसका स्क्वेयर हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वेयर कंप्लीट करने के लिए हमने एड किया तो यहाँ पे हम सब भी करेंगे और अगर हम उस सब्टन को ब्राकेट से बाहर लिखे जाएंगे ना विल बिकम प्लस तो हम उसे लिख देते हैं यहाँ पे फाइन दैट मींस दिस इज नाइन एक्स पावर सिक्स डीएक्स जीरो टू वन माइनस जी माइनस थ्री एक्स क्यूब होल स्क्वे डीएक्स जीरो टू वन और हमें क्वेश्चन ने कहा है वो नाइन बाई सेवन है राइट right? यहां से अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं ध्यान से समझना ये पार्ट तो इजिली इंटीग्रेबल है कर ही लेते हैं एक्स पावर सेवन बाई सेवन जीरो टू वन सो दैट इज वन बाई सेवन नाइन टाइम्स नाइन बाई सेवन और यही आज इट इज यहाँ पे प्रेजेंट है दैट मींस ये वाले जीरो आएगा और बच्चा ये वाला वालू जीरो कब आएगा दैट इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग डी आई का वाले इंटरवल में जीरो कब आता है या तो जितना एरिया एक साथ से, से बिलो क्रिएट क्रिएट हो उतना ही ऊपर की ओर कैंसिल आउट हो जाए लेकिन यहाँ पे वो स्कोप ही नहीं है क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही रहेगा परफेक्ट स्क्वायर है राइट तो अब क्या पॉसिबिलिटी रह गई ये फंक्शन ऑल थ्रू आउट एट जीरो ही होना चाहिए क्योंकि या तो ये जीरो होगा या पॉजिटिव होगा पॉजिटिव अगर आ जाए तो डीआई का वैल्यू कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा हमें जीरो चाहिए सो वेरी क्लियर दिस हैज टू बी जीरो जियस थ्री एक्स क्यूब परफेक्ट अब बच्चे हमें जीओ एक्स मिल चुका है एंड वन से टू के इंटरवल में जो जीओ एक्स पॉजिटिव है तो अब हमें मॉड्यूलर की जरूरत नहीं रही जीओ एक्स को इंटीग्रेट करे वन टू टू लिमिट अप्लाई करे आंसर करते डायरेक्ट तो यहाँ पे दी स्टेप मैटर्स इज दिस क्लियर नेक्स्ट इफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस टू एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर फोर एफ स्क्र एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ के फॉर्म में गिवन होता है तो बहुत से बच्चों को चीज स्ट्राइक नहीं करती है तो कोई बात नहीं आप y होता है ना तो, तो क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स इन टू डी वाई बाई डी एक्स नेक्स्ट वीव इज माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स पावर फो वाई स्क्वेर अब आपको स्ट्राइक करेगा कौन सा फॉर्म है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत लिमिटेड पोर्शन है ना हमारे सिलेबस में ये बर्नॉल फॉर्म है दिख रहा है ना क्लियरली तो का का कैसे होता है? है, जो भी का उससे हम हम दोनों तरफ कर कर देते हैं हैं, ताकि ये से से हो जाए। अब से हम कर रहे दिस इज इक्वल टू एक्स पावर फोर डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है तीन ही तो स्टेप है ना बनौलिस फॉर्म में नेक्स्ट स्टेप इज यहां जो भी क्रिएट हुआ है ना y का फॉर्म उसे हम t कंसिडर करते हैं अब y पावर माइनस वन है तो हम नेगेटिव साइन के साथ ही ले, ले लेते हैं आज t आई प्रीफर टी आस माइनस वाई पावर माइनस वन ताकि जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करें ना तो कोई नेगेटिव साइन का फॉर्मेशन ना हो y पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स और उसका प्रेजेंस यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है सो दिस इज डी टी बाई डीएक्स एक्स के साथ है ये एक्स हमें यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि बर्नॉलिस फॉर्म में जैसे ही हम ये स्टेप करते हैं उसके बाद वो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इसलिए हम बर्नॉलिस इस फॉर्म को रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म भी कहते हैं राइट तो इस एक्स से अब हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया बच्चे प्लस क्योंकि हमने माइनस वाई पावर माइनस वन को टी लिया है ओके सो दिस इज अपॉन एक्स एक्स से हमने डिवाइड किया एंड बच्चा दूसरा तरफ है एक्स क्यूब अब आप देखें क्या ये लीनियर इन टर्म्स ऑफ टी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा बताएं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर टू बाई एक्स डीएक्स इज दर यस तो अब आंसर टी इंटू द इंटीग्रेटिंग टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स एंड ये आ जाता है बच्चे एक्स पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस सी एंड टी हमारे लिए है बच्चे माइनस वन बाई वाई तो इसे लिख देते हैं माइनस वन बाई वाई करेक्ट अब पहले हम सी को सोल्व कर लेते हैं उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमें दिया है एफ वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स मतलब एक्स की जगह पे वन पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू माइनस सिक्स आएगा तो ये आ गया माइनस वन अपॉन माइनस सिक्स वन बाई सिक्स इज इक्वल टू वन बाई सिक्स प्लस सी बच्चा सी इज जीरो तो ये वैल्यू खत्म हो गया एक्स स्क् को हम कर देते हैं कैंसल तो हमारे पास y है बच्चे माइनस सिक्स बाई एक्स पावर फोर ये हो गया हमारा फंक्शन अब आपको जो कुछ भी फाइंड करना है आप एक स्टेप में फाइंड कर सकते हैं f आपके पास है f डाश निकालो एंड x की जगह पे पुट कर दो और वो काम आप बहुत इजीली कर सकते हैं राइट right? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इफ द एरिया इनक्लोज बाई जियो फेक्स एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू फाइव एंड एक्स एक्सवेर जियो एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ओफेक्स ओके एंड दैट इज गिवन एज ए देन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ ए इज वट तो इन तरह के क्वेश्चन में आप इनवर्स फाइंड करने की कोशिश मत करना क्योंकि इनवर्स को आप वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स प्रेजेंट नहीं कर पाओगे और मोस्टली जब भी इनवर्स रिलेटेड डिस्कशन इस तरह का ग्राफिकल डिस्कशन क्वेश्चन करता है ना मोस्टली वो उसी टाइप को क्वेश्चन ही देते हैं जिसमें आप इन्वर्स निकाल ही नहीं पाओगे एज ए फंक्शन ऑफ एक्स तो इनको डील करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं यू कैन प्रोसीड प्योरली ग्राफिकली जो आपके लिए टाइम सेविंग होगा और अल्जेब्राइकली भी प्रोसीड कर सकते हैं मैं दोनों तरह से आपको करके बता देती हूँ लुकै क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ध्यान दो एफ डैश इज थ्री एक्स स्क्स थ्री दिस इज ऑलवेज इज पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग है और कर्वेचर को भी ले लेते हैं एफ डबल डैश बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चीजें आएंगी विच इज सिक्स एक्स तो मतलब कर्व बेंट अपवर्ड कब होगा जब एक्स पॉजिटिव होगा एक्स नेगेटिव के लिए ये बेंट डाउनवर्ड होगा परफेक्ट तो एक रफ स्केच क्विक इसका देख लें क्यूबिक है तो माइनस इन्फिनट से इन्फिनिटी हाइट तो ट्रेवल करेगा माइनस माइनस दिस विल बी प्लस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी होगा और इंक्रीजिंग है वाई एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा उसके लिए एक्स को जीरो ले लें तो वाई इज वन जीरो वन से पास करता हुआ ग्राफ होगा और इस तरफ बेंट अप है तो इस तरफ बेंट डाउन है परफेक्ट अब इसका इनवर्स का ग्राफ हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा मिरर इमेज अबाउट वाई जीको टू एक्स लाइन तो जीरो का अगर हम मिरर इमेज लें वाई जीको टू एक्स के अबाउट तो हमें पता ना एच को म का मिरर इमेज के कमाई एच बन जाता है तो ये वन कोमा जीरो से पास करेगा राइट right? ये इंक्रीजिंग पोर्शन है बेंट अप है तो उसका जो मिरर इमेज होगा वो बेंट डाउन होगा ये वाई जीको टू एक्स लाइन है परफेक्ट और इस तरफ ये बेंट डाउन है तो ये बेंट अप हो जाएगा परफेक्ट ये हो गया हमारे लिए जीओ एक्स का ग्राफ और हमें चाहिए एरिया बाउंडेड बाय दिस फॉर एक्स बिटवीन माइनस थ्री एंड फाइव एंड माइनस थ्री एंड फाइव के बीच में आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक के पोर्शन में ये एक साक्ष से बिलो है और यहां से आगे वो एक साक्ष से अबव है तो अगर हम इस एरिया की बात करें तो वी नीड टू तो राइट माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स डीएक्स माइनस थ्री टू वन प्लस जी ऑफ एक्स डीएक्स वन टू फाइव राइट अब या तो आप दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके वैल्यू निकालें दूसरा तरीका ये है चेक कर लेते हैं क्या है? कोई ये ऑर्ड सिमेट्रिकल काइंड बन रहा है उसके लिए आप ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स पे आ जाएं एफ ऑफ एक्स इज दर्म को इग्नोर करें बताए क्या ये ऑर्ड फंक्शन है यस yes. इसका मतलब इसका ग्राफ सिमेट्रिकल है इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट और उसे ग्राफ को हमने वन यूनिट अपवर शिफ्ट किया तो कुछ यहां पर पहुंचा है तो जैसे कि ऑर्ड फंक्शन का ग्राफ है ये सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट है बस ये ग्राफ आज इट इज वन यूनिट अपवर शिफ्ट हो गया है तो कैनवी से दिस ग्राफ इज सिट्रिकल अबाउट दिस पॉइंट मतलब अगर हम यहाँ पे नए क्वाड्रेंट की तरह से भी

फाइन इसके आगे का काम आप ग्राफिकली कंटिन्यू कर सकते हैं या अल्जेब्राइक प्रोसेस में स्विच कर सकते हैं मैं आपको दोनों से करके बता देती हूँ जी ऑफ एक्स डी एक्स वन टू फाइव मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एरिया अब मुझे जी का तो कुछ पता नहीं लेकिन मुझे एफ का पता है एंड आई नो इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज इधर एग्जिस्ट करता है ये पॉइंट है बच्चे फाइव कमा जीरो इसका मिरर इमेज जीरो कमा फाइव और हमें ये वाला एरिया चाहिए उसके लिए बच्चे हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट भी चाहिए होगा तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट तो फाइव होगा लेकिन x का वैल्यू क्या होगा उसके लिए आप एफ ऑफ एक्स पे आ जाएं कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू किस x के लिए 5 बनेगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस से सोल्व कर ले. X का 1. तो ये पॉइंट है बच्चे 1, 5. अब हमें बस ये एरिया कैलकुलेट करना है एंड वी आर थ्रू विथ इट तो क्या आ गया बच्चे फाइव माइनस अपर वाई माइनस लोअर वाई दस विच इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस वन तो मैं इसे कर देती हूँ फोर एंड दिस इज इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन एंड इस आंसर को हम करेंगे ट्वाइस अब ये तो इजीली कंप्लीट हो जाएगा इसका दूसरा मेथड आप देखें हम ग्राफिकली इसे नहीं करना चाह रहे इन दैट केस वी वांट टू फाइंड ट्वाइस ऑफ जीओ एक्स डी एक्स एंड लिमिट्स वन टू फाइव बच्चे हमें इसके बारे में नहीं पता तो हमें उसे बाहर आना होगा सो इमीडिएटली सब्सटीट्यूट

लिमिट्स अब हमें न्यू वेरिएबल के लिए चाहिए न्यू वेरिएबल है बच्चे टी दैट मीन्स लोअर लिमिट विल बी जीओ वन ऑफ वन मीन्स जी फंक्शन में इनपुट इज वन मतलब एफ का आउटपुट शुड बी वन एफ का आउटपुट वन कब बनेगा जब एक्स का वैल्यू जीरो हो तो यहाँ पे लोअर लिमिट आ गया बच्चे जीरो अपर लिमिट क्या आएगा ऑफ फाइव जी में इनपुट फाइव मतलब एफ का आउटपुट फाइव ये फाइव कब बनेगा जब एक्स का वैल्यू वन हो क्लियर आप इसे इंटीग्रेट कर ले दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा आप कंप्लीट करके देख लें। फाइन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंगल करेक्ट टाइप। द स्लोप ऑफ टी टू एक्स इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ इट एक्स स्क्स थ्री एक्स प्लस सी एंड इसमर थ्री मतलब वाई आज थ्री एक्स आज वन इट शुड बी तो बच्चा सी का वैल्यू क्या आ गया माइनस वन तो हमारे लिए एफ ऑफ एक्स अब पूरी तरह से नोन है दैट इज एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स माइनस वन ना वट इज इज एरिया बाउंडेड बाई वाई टू एफ ऑफ एक्स ये वाला कर्व एंड नॉर्मल टू दिस आठ एक्स इक्वल टू जीरो सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल लिखने के लिए हमें पूरे पॉइंट की जरूरत है तो एक्स आठ जीरो इस पूरे में हम पुट करते हैं वाई इज इक्वल टू दिस इज जीरो वन पावर एनीथिंग दैट इज वन प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन जीरो दिस इज जीरो साइन इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो तो हमें यह पॉइंट क्लियर हो गया कि ये पॉइंट है जीरो कॉमा वन फाइन अब क्योंकि एरिया बाउंडेड की बात हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल एंड दिस कर्व मतलब हमें नॉर्मल की इक्वेशन तो कंप्लीटली चाहिए और उसके लिए सबसे पहले हमें डीवाई बाई डी एक्स लेना होगा जहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा करके देखते हैं डीवाई बाई डी एक्स इज वॉट बच्चे एफ पावर जी का डिफ्रेंशिएशन तो आपको डायरेक्टली याद रखना ही है आई जस्ट होप यू रिमेम्बर एफ पावर जी बच्चे इसका डिफरेंशिएशन है एफ पावर जी जी डैश एल एन एफ प्लस

साइन साइन एक्स का डेरिवेटिव टू एक्स इंटू कॉस एक्स अब हमें डी वाई बाई डी एक्स पर्टिकुलरली एट एक्स इक्वल टू जीरो चाहिए तो एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देते हैं दिस इज वन दिस इज लॉग वन जो कि है जीरो तो ये टर्म वनिश हो गया एक्स इज जीरो वाई इज वन तो ये है वन एंड ये टर्म है बच्चे जीरो, ये जीरो है ना तो ये पूरा टर्म वैनिश हो गया तो ओवरऑल हमें वाई डैश का वैल्यू मिला है वन मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट वन है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस वन अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन इसे हम लिख लेते हैं वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स फाइन अब हमें एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस टू कैलकुलेट करना है क्या ये अफ वोर्ड पैराबोला है यस yes. तो इमीडिएटली पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व कर लें ले exact ग्राफिंग की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि दो ही कर्व है ना एक पैराबोला एंड लाइन दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एरिया फाइंड करना है देख लेते हो पॉइंट कौन से है उसके बाद स्ट्रेट अवे हम एरिया लिखेंगे सो वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क् प्लस थ्री एक्स माइनस वन बच्चे दिस इज एक्स स्क्स फोर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इसकी अगर हम रूट्स फाइंड करें सो दिया एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी माइनस फोर ए सी दट इज स्क् रूट ऑफ ट्वेंटी फोर बच्चे टू रूट सिक्स अपॉन टू ए माइनस टू प्लस माइनस रूट सिक्स फाइन तो जहां कहीं भी इनकी हमें जरूरत पड़ेगी विल यूज ठीक है अब एरिया को देखते हैं उसके लिए एक अपोर्ड है लाइन ने दो जगह पे इंटरसेक्ट किया है तो डेफिनेटली लाइन लाइक बी

फ टीचु फाइन नाव आई नीट लिटिल स्पेस तो हम इसे क्लियर ऑफ कर देते हैं ठीक है अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं टू माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स को कम्बाइन कर लेते हैं माइनस फोर एक्स एटेस इंटीग्रेट करें दिस इज टू एक्स लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन नेक्स्ट अब आ जाते हैं माइनस फोर एक्सक्वेर बाई टू ये क्या टू रह जाता है लिमिट अप्लाई कर दिया फाइन एंड लास्ट इज माइनस एक्स स्क्स बच्चे एक्स वन क्यूब फाइन कभी भी इन तरह के क्वेश्चन में एक्स वन एंड एक्स टू रिप्लेस करके अपना काम को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है इस पूरे में आप देख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन आज ए फैक्टर एग्जिस्ट करता है और इसका वैल्यू हम यहाँ से बहुत डायरेक्टली लिख सकते हैं जब आप एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे तो टू रूट सिक्स आ जाएगा यहाँ हम इसे रिप्लेस कर देंगे आगे बढ़ते हैं पहले टू माइनस टू यहां रह जाएगा एक्स टू प्लस एक्स वन उसके लिए हम इन दो वैल्यू को ऐड करके भी देख सकते हैं या तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स को भी ले सकते हैं देन नेक्स्ट इज माइनस वन बाई थ्री एक्स टू माइनस एक्स वन फैक्टर हमने कॉमन ले लिया देन वी आर लेफ्ट विध एक्स टू स्क्र प्लस एक्स वन स्क्र प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू अब हम इन्हें स्क्र करके तो ऐड नहीं करने वाले हैं हम सम एंड प्रोडक्ट का यूज लेंगे तो उसके लिए ये हो जाता है एक्स टू प्लस एक्स वन का होल स्क्वेयर माइनस टू एक्स वन एक्स टू इसके साथ कंबाइन होके एक्स वन एक्स टू यहां पर हम इसे लिख देते हैं फाइन अब काम हो गया खत्म एक्स टू माइनस एक्स वन की जगह पे टू रूट सिक्स फुट करें एक्स वन प्लस एक्स टू की जगह पे माइनस फोर एक्स वन इंटू एक्स टू की जगह पे माइनस टू कैलकुलेट कर ओवर, क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चनोमिलसंगउंडेड बाई बी ऑफ एक्स है ओके तो सबसे पहले हमें पी ऑफ एक्स को आइडेंटिफाई करना है बाईक्वाडेटिक पॉलिनोमिलेट्स बिगिन विथ लेट इट बी एक्स पावर फोर बी एक्स क्यू सी एक्स क्वे प्लस डी एक्स प्लस ई फाइन so p of minus x by 2 x cube that will be a x power 4 minus b x cube plus c x square minus d x plus e upon 2 x cube whole power 1 by x is e power minus 3 limit x tends to 0 ka case. here right किस तरह से हैंडल किया जाता है इमीडिएटली आप एक्सपोनेंट को देख लो क्योंकि यहाँ पे तो अननोन का प्रेजेंस है एक्सपोनेंट में इन्फिनिटी है आपने जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़े हैं उसमें पावर में इन्फिनिटी सिर्फ एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो है वन पावर इन्फिनिटी तो अगर बेस वन को अप्रोच नहीं करता है देन इन दैट केस वो वैल्यू तो इनफाइनेटली लार्ज बन जाएगा या तो जीरो को अप्रोच करेगा तो अगर ये नॉन जीरो वैल्यू है और कोई फाइनेट वैल्यू है देन इट इज बाउंड टू बी ऑफ द कैटेगरी वन पावर इन्फिनेटी दैट मीन्स ये जो वैल्यू है एक्स अप्रोचिंग जीरो पे ये वन को ही अप्रोच करना चाहिए अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी आ ही नहीं सकती अब प्रोसीड करें बच्चे डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग जीरो एक्स टेन्स तो टू जीरो पे ये जीरो 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 ई बाई जीरो तो अगर ई e कोई नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है तो क्या ये इन्फिनिटी बन जाएगा जैसे कि वन बाई जीरो टू बाई जीरो यस लेकिन हमें तो ये वन चाहिए तो एक बात बहुत क्लियर हो गया कि ई e का वैल्यू को जीरो ही बनना पड़ेगा ठीक अब ई e यहाँ से हट गया न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर से हमने x को कॉमन लिया कैंसिल कर दिया अब डिनोमिनेटर के पास बचा है टू एक्स स्क् और यहाँ पे है d सबके पास एक एक एक्सपोनेंट कम हो गया अब जब आप एक्सटेंस टू जीरो अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में फिर से जीरो बन रहा है न्यूमेरेटर में d बन रहा है तो अगर d नॉन जीरो वैल्यू है फिर से ये इन्फिनेटी को टेंट करेगा जो हमें नहीं चाहिए तो बहुत क्लियर है बच्चे डिनोमिनेटर में अगर एक्स क्यूब का प्रेजेंस है तो थ्री से छोटे वाले कोई भी एक्सपोनेंट का प्रेजेंस वहां आ ही नहीं सकता अदरवाइज विल लीड टू इन्फिनेटी जो हमें नहीं चाहिए तो C, D एंड E के वैल्यू आ गए जीरो फाइन नेक्स्ट देखे न्यूमिरेट डिनोमिनेटर दोनों के पास एक्सक्यूब है आज ए कॉमन फैक्टर कैंसिल कर देते हैं क्या रह गया बच्चे ए बाई टू एक्स माइनस बी बाई टू राइट हमें ये वैल्यू अप्रोचिंग वन चाहिए आज एक्स अप्रोचेस जीरो आज एक्स अप्रोचेस जीरो बच्चे ये जीरो है माइनस बी बाई टू हमें वन चाहिए मतलब बी का वैल्यू क्या आ गया माइनस टू राइट अब नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिस्कशन ये पूरा सिंप्लीफाई होके ये बन चुका है और उसमें भी ये तो है वन दैट मींसूस वन होल पावरिटी फॉर्म का क्वेश्चन रह गया और उसको हम हैंडल कैसे करते हैं ई पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स राइट एक्स टेंस टू जीरो पे ये ई पावर ए बाई टू जो कि हमें ई पावर माइनस थ्री चाहिए तो ए का वैल्यू आ गया बच्चे माइनस फाइन तो पॉलिमिल फंक्शन हमारा क्या है पी ऑफ एक्स इज ए दाइनस सिक्स एक्स पावर फोर एंड बी इज माइनस टू राइट बेटा अब इसका ग्राफ क्विकली हम ड्रॉ करते हैं उसके लिए पॉलिनोमिल है तो हम डायरेक्टली वे भी प्रोसेस से इसे करें बेटर रहेगा क्योंकि हमें एक ही तो चाहिए ना बच्चे तो इसके क्रिटिकल वैल्यूज है बच्चे माइनस वन बाई थ्री एंड जीरो जीरो से इधर ये नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है दैट मीन्स इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा राइट right? और क्वेश्चन ने हमें कहा है एरिया बाउंडेड बाय दिस x एक्सिस एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट क्लियरली ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है मतलब ये वाला एरिया अब हमें फाइंड करना है तो क्या करना होगा बच्चे P ऑफ x, dx, एक्स अप्लाई लिमिट फ्रॉम माइनस वन बाई थ्री टू जीरो ओवर कर लेंगे ना आप कंप्लीट सो so, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस इज ऑफ एक्स बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चे एरिया बाउंडेड हमें फाइंड करना है तो उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा और उसकी भी बहुत सारे मेथड्स है लेकिन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पार्शियल डेरिवेटिव इज द बेस्ट चॉइस आउट सो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई आप एक्स या वाई किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो आई एम डूइंग इट विथ रिस्पेक्ट टू

एक्स एफ डैश गिवन है, है? देखें अगर आप एफ में कंफर्टेबल नहीं है ना आप इसे वाई में कन्वर्ट कर दें कोई दिक्कत नहीं अब बताए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज वॉट ई पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स इज माइनस एक्स सो आंसर इज वाई इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स राइट right, ये आ गया अब एरिया फाइंड करना है तो एफ ऑफ एक्स तो हमें एक्जैक्टली exactly नोन होना चाहिए उसके लिए हमें सी फाइंड करना होगा सी कहां से आएगा कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है तो उन केसेस में हम इसमें पर्टिकुलर एक्स एंड वाई पुट करके वैल्यू फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम एक्स एंड वाई दोनों को जीरो कंसिडर कर लेते हैं दिस इज वन सो इट इज एफ ऑफ जीरो दिस इज एफ ऑफ जीरो बच्चा क्या आ गया एफ ऑफ जीरो इज जीरो राइट तो यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो पुट करते हैं ऑल्सो भी जीरो तो ये हो गया बच्चे जीरो जीरो वालू सी कम्स आउट टू बी जीरो मतलब ये टर्म नहीं है तो हमारे लिए फंक्शन क्या आया एक्स अपॉन दिसर एक्स फाइन नाउ विच एरिया इसका ग्राफ तो बनाना पड़ेगा और अगर कोई भी रैंडम सा इक्वेशन है तो कर्व स्केचिंग के वही दो तीन स्टेप हम यूज करते हैं तो प्रिसीड करते हैं इमिडिएटली वाई डैश डिफरेंशिएट दर्स्ट मल्टीप्लाई विदेंड प्लस डिफरेंट द सेकंड मल्टीप्लाई विदर्स्ट वट इज इट एक्स प्लस वन इंटू पावर एक्स इसका ये वाला हिस्सा तो हमेशा ही पॉजिटिव है इसका मतलब माइनस वन से इधर वाई डॉश नेगेटिव है एंड वाई डॉश इधर पॉजिटिव है दैट माइनस से वन तक ग्राफ डिक्रीजिंग है क्योंकि नेगेटिव है है उसके बाद वो है। वो राइजिंग ग्राफ अब डिक्रीजिंग प्रोसेस बिगिन कहां से हुआ कहां तक गया और आगे इंक्रीजिंग प्रोसेस कहां तक गया उसके लिए अब हमें पॉइंट लेना होगा क्योंकि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक्स कोमा वाई की जरूरत होती है तो एक्स आज माइनस इन्फिटी बेटा वट डू यू गेट वाई टू बी यहाँ पे पुट करते हैं दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड ई पावर माइनस इन्फिटी जीरो तो ये हुआ इन्फिट इन टू जीरो हिस्सा जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसमें हम अल्जेब्राइट पार्ट को तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे दूसरे वाले को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं अब ये हो गया आज एक्स अप्रोचे माइनस इन्फिनेटी बच्चे ये इन्फिनेटी बायी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया स्ट्रेट अवे एल एच रूल वन जो पॉइंट होगा ना वो माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो टाइप का होगा जहां से वो डिक्रीजिंग प्रोसेस बिगिन हुआ है राइट right? गया कहां तक है x आज माइनस वन एक्स ये पे माइनस वन पुट करे आ जाता है माइनस वन बाई अब स्ट्रेट वे ग्राफ पे चलते हैं माइनस वन पे वो है माइनस वन कमा माइनस वन बाई माइनस इन्फिटी पे ये अप्रोचिंग जीरो है दैट मीन्स ये ग्राफ कुछ इस तरह से है इसके बाद ग्राफ में अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ एक्स एज इन्फिनटी ये वैल्यू इन्फिनटी बन रहा है मतलब ग्राफ इन्फिनेटी कमा इन्फिटी तक जाएगा अब देख लेते हैं क्या ये ओरिजिन से पासिंग होगा एक्स आज जीरो वाई इज कमिंग आउट टू बा मतलब ये ग्राफ अब क्लियर हो गया इट इज समथिंग लाइक दिस अब क्वेश्चन है हमें क्या एरिया बाउंडेड बाई दिस एंड एक्स एक्सिस मतलब फाइन क्या लिखेंगे हम इसे बच्चे अपर वाई माइनस लोअर वाई सो माइनस x e पावर x dx लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस infinity टू zero फाइन और इसका इंटीग्रेशन तो मुझे लग रहा है बहुतों तो को याद भी हो गया होगा माइनस को मैंने अलग कर दिया बच्चे इंटीग्रेशन बाई पास याद है तो डायरेक्टली लिख लें अदरवाइज इंटीग्रेट करते हुए लिख लें शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है उसकी हेल्प से आप करेंगे सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा कोई लिमिट अप्लाई कर देते हैं एक्स जीरो ज जीरो इंटू वन जीरो पार्ट में एक साथ माइनस इनफिनटी अगर हम अप्लाई करते तो माइनस इन्फिनटी टू जीरो आ रहा है जो ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ना यो दिस कम्स आउट टू बी जीरो राइट तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ एंड ये वैल्यू है बच्चे ई पावर जीरो जो है वन एंड ई पावर माइनस इन्फिनटी जो की है e जीरो तो तो हो गया खत्म एंड दिस वैल्यू इज वन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैराग्राफ बेस्ट है बच्चे देखे वाई इज एफेक्स दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे भी एफ का प्रेजेंस है तो क्लियर है हमें डिफरेंशिएट तो करना है लेकिन यहाँ एक्स एंड टी दोनों का प्रेजेंस है और टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे टी की जगह पे फिर न्यू एक्स का फॉर्मेशन होगा तो जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन बन रहा होता है डेफिनेटली हम इसे सिम्प्लीफाई कर पाएंगे चेक कर लेना क्योंकि अभी तक में ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया जहां पे ये सिंप्लीफाई ना हो पा रहा हो वहां पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है और वो कॉम्प्लिकेट ही होता है राइट right, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है क्या एक्स को हम ये टी सेपरेट से कर पा रहे हैं लुक एट कैन आई राइट दिस टू टी डी एंड माइनस टी एफ डी डी टी यस और इंटीग्रेशन वेरिएबल टी है मतलब ये एक्स आज कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो हाँ ये सिंप्लीफाई हो रहा है अब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो प्रोसीड करते हैं बच्चे वी हैव एफ ऑफ एक्स आज ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस टू एक्स माइनस दिस थिंग राइट एक्स तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया बच्चे एफ डॉ टी डी एफ ऑफ टी बच्चे एफ डाट को इंटीग्रेट तो आएगा लिमिट अप्लाई कर दो वट डू गेट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो एक्स के साथ है ओके एंड देन दिस आज इट इज एफ डी डी टी जीरो टू एक्स

एफ डैश टी डी टी जीरोट एफ डैश इज डिफरेंशिएट द फर्स्ट माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स मल्टीप्लाइड विथ कॉस एक्स प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं दैट इज ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स इन टू साइन एक्स देन विच आर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्रोडक्ट रूल ए फैश एक्स एंड नाउ डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस बच्चे यहाँ पे साइन का ध्यान देना क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था ना हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो यहाँ पे प्लस साइन बनेगा केयरफुली करना है ओके okay? तो ये आ गया आज एक्स एफ डैश एक्स फाइन अब सिंपलीफाई कर लेते हैं अगर कोई स्कोप है तो ये टर्म इसे करता है कैंसिल यहाँ तो नोन फंक्शन है नॉन फंक्शन है या अन है तो इसे इधर ही शिफ्ट कर देते हैं इज इक्वल टू तो बच्चे दिस फाइन और बच्चे यहां से अगर आप f को पर्टिकुलरली सॉल्व करना चाहो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आप सॉल्व कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो बट मोस्टली माय एक्सपीरियंस इज पास्ट ईयर में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं तो f को सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा है यहाँ पे देखते हैं बच्चा इट इन से इनमें से किसेस्फाई करेगा तो डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई मतलब एफ डाश प्लस एफ उसका प्रेजेंस हमारे पास है तो ये तो रोल्ड आउट है अब देखते हैं इनमें से कौन सा ट्रू है उसके लिए ई पावर एक्स के साथ हमारे पास है कॉस एक्स ई पावर एक्स के साथ माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो क्लियर हो गया यही है वैसे आप इसे पूरी तरह से रीअरेंज करके भी आंसर कर सकते हैं ठीक है ना नेक्स्ट पार्ट देखें ज द वैल्यू ऑफ एफ डॉश जीरो हाईर ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें चाहिए तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये है एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इधर का भी डिफरेंशिएशन बहुत इजिली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके बाद आपने एक्स की जगह जीरो पुट करना है और आंसर निकालना है दट इज द ओनली स्टेप हि फाइन देन द लास्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ जीरो और ये हम ऑलरेडी बिगिनिंग में कैल्कुलेट कर चुके हैं बच्चे वट इज इट इट इज टू फाइन द नेक्स्ट बेटा पैराग्राफ इट्स अगेन ए फल इक्वेशन इज बिंग गिवन टू अर्स देन वैल्यू ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रेल एफ ऑफ एक्स मतलब हमें एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना ही होगा कोई चॉइस नहीं है हमें इंटीग्रेट करना है ना इसे आगे तो स्ट्रेट अवे प्रोसीड कर जाते हैं इधर भी सिंपल सा है तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बच्चा एफ डाइज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन जीरो कर लेते हैं और इसे आप चाहो तो सिंपलीफाई विद द फर्स्ट और यहाँ डिफरेंशिएशन आ गया ए फाइन राइट हैंड साइड को फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं माइनस एल एन एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन प्लस क्या ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आप देखें डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पे ये माइनस वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस एल एन एक्स राइट इमीडिएटली इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड करेंगे दैट इज माइनस एक्स सो इट इज वाई इन टू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन टू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स अब नेक्स्ट टास्क इज हम इसे इंटीग्रेट कैसे करें क्योंकि इंडिविजुअली तो दोनों ही नॉन इंटीग्रेबल फॉर्मेट है तो इंटीग्रेट कैसे होगा उन केसेस में हम किसी एक में इंटीग्रेशन बाईपास अप्लाई करेंगे आईलेट रोल से नहीं ये ध्यान में रखते हुए कि दूसरा पार्ट जो इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व है वो जनरेट कैसे होगा ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए दैट दैट इज द ओनली वे वी कैन तो किसी भी एक को ले लेते हैं लेट मी टेक द फर्स्ट वन मुझे इसे इंटीग्रेट करना है और मुझे क्लियर है कि मुझे लॉग का प्रेजेंस चाहिए तो इसे हमें लेना होगा आज डीवी और इसे आज यू क्योंकि इंटीग्रेट होके लॉग का प्रेजेंस हमें दे सकता है तो स्ट्रेट अवे ये इंटीग्रेट करेंगे इसे हमने किया डिफ्रेंशियट इसे हमने किया इंटीग्रेट क्लोज कर देते हैं प्लस माइनस तो ये पार्ट इंटीग्रेट होके बनाया ई पावर माइनस एक्स एल एन एक्स माइनस माइनस प्लस ई पावर माइनस एक्स एल एन एक्स डी एक्स अब आप देख सकते हैं ये आज इट इज यहाँ माइनस साइन के साथ प्रेजेंट है मतलब ये पार्ट इसका हो गया कैंसिल एंड ये इंटीग्रेट होके हमें दे रहा है वाई इंटू ई पावर माइनस एक्स एस ई पावर माइनस एक्स एल एन एक्स इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट को लिखना ना भूलें ठीक अब कुछ भी आगे डिस्कस करने के लिए हमें सी का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए फंक्शन का वैल्यू किसी जगह पे तो हमें चाहिए होगा तो यहाँ आप देखें डी आई वन टू एक्स है और इसका वैल्यू हमें नहीं पता तो एक्स को हमेशा जो एक लिमिट हमें नोन है ना वही वैल्यू हमें सब्सटीच्यूट करना है तो एक्स एच वन दिस इज जीरो एक्स एच वन ये जीरो तो ये पूरा जीरो हो गया बच्चे तो एफ ऑफ वन इज ई राइट तो इसमें आ जाए अब एक्स की जगह पे वन पुट करते हैं वाई शुड बी ई सो ई इन्वर माइनस वन दट इज वन ये है जीरो क्योंकि लॉग वन है एंड दिस इज सी सी का वैल्यू आ गया बच्चे आज वन तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स हम डिवाइड कर रहे हैं सो एल एन एक्स प्लस ई पावर एक्स परफेक्ट फंक्शन आ गया अब आप इंटीग्रेशन का काम खुद कर सकते हैं एल एन एक्स डीएक्स जीरो टू वन एंड ई पावर एक्स डी एक्स जीरो टू वन लॉग एक्स आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट से निकालते हैं बट आई ऑलवेज सजेस्ट रिमेंबर दिस क्योंकि ये फ्रीक्वेंट रिमेम्बर है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स फ्रीक्वेंट यूज में आने वाली चीजें तो याद ही रख लेना चाहिए एंड ये ई पावर एक्स बच्चे लिमिट अप्लाई करे और आंसर कर दें ठीक है ना पार्ट नंबर ऑफ सेक्वल टू एक्स दैट मीन्स क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है ना तो इसका वैल्यू एक्स एल एन एक्स प्लस ई पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स कितनी बार होगा तो वे आउट क्या होता है सबको हम एक तरफ शिफ्ट करते हैं एक इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया इसे आज ए फंक्शन ले लेते ले हैं एल एन एक्सावर एक्स माइनस एक्स ये कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस आर पॉजिटिव हमारा डोमेन है तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और अगर हम इसका बिहेवियर भी देखें ना एफ डाश ले लेते ले हैं वन बाई एक्स प्लस ई पावर एक्स माइनस वन राइट आर पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू वन से इन्फिनेटी में होता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है एफ डैश इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एफ इज एन इंक्रीजिंग कर्व अब जब कोई हमारे पास इंक्रीजिंग ग्राफ होता है ना बच्चे वो कितने रूट्स देगा ये डिस्कशन कौन करेगा ये बताओ इंक्रीज होते हुए हो सकता है कम्पलीटली अब एक नो रूट अगर वो नीचे है वंस अगेन नो रूट

तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को आप सॉल्व कर लो बहुत से तरीके हैं बच्चे इसका एक्सपांशन यूज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा मतलब ये इन्फिनिटी से ना इनफाइनाइट टाइम्स लार्जर है तो ये इसमें पूरी तरह से मर्ज हो जाएगा इसका एग्जिस्टेंस यहाँ काउंट नहीं होगा और दूसरा तरीका आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं जब दो वैल्यू दोनों ही इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो दोनों में से बड़ा कौन सा है ये पता लगाने के लिए आप दोनों का रेशियो ले लो एंड एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी बच्चे इन्फिनिटी बाइटिनिटी फॉर्म है राइट right. एल हमने अप्लाई किया दिस इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी इसका मतलब हुआ कि तो क्योंकि ये बोहत, बोहत, बोहत बड़ा है तो इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो ये इन्फिनेटी नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव कितने रूट एक क्लियर देन द लास्ट क्वेश्चन बच्चे एरिया बाउंडेड बाई टेंजेंट ऑन वाइज टू एफ एफ एक्स आर्ट एक्स इक्वल टू वन एक्स एक्स एंड ओर्डिनेट एक्स इक्वल टू वन फंक्शन हमारे पास है बच्चे तो सबसे पहले तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है ये भी हमें क्लियर है x इक्वल टू वन तो देख लेते हैं पॉइंट क्या आएगा x की वन पुट किया तो दिस इज जीरो पे हमें टीन लेना है तो इमीडिएटली f डैश वन बाई एक्स प्लस ई पावर एक्स एक्स इज इक्वल टू वन पे बच्चे स्लोप आ गया आज वन प्लस ई परफेक्ट अब इक्वेशन ऑफ टीन जेंट दाई माइनस ई इज इक्वल टू वन प्लस ई इंटू एक्स माइनस वन फाइन अब सिचुएशन को थोड़ा सा ग्राफिकली समझ लेते हैं कोई एक कर्व है उस पे हमने टेन्जिन ड्रॉ किया एंड ये पॉइंट वन कोमा इ है और हमें एरिया बाउंडेड चाहिए एक्सिस ये वाली लाइन और ये ओर्डिनेट मतलब इस ट्राइंगल की हमें बात करनी है तो हमें इंटीग्रेशन की यहाँ जरूरत नहीं है बस अब हमें ये वाला पॉइंट चाहिए मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद एक्स कैसे मिलेगा वाई को हमने कर दिया जीरो माइनस ई बाई वन प्लस ई इज एक्स माइनस वन सो एक्स दस बेचा क्या आ गया ये वन बाई राइट राइट तो बच्चा एरिया ऑफ दिस ंगल इज हाफ इंटू द बेस बेस इज वॉट यहाँ एक्स का वैल्यू वन है और यहाँ एक्स का वैल्यू ये है तो वन माइनस वन बाई वन प्लस ई एंड द हाइट एंड दैट इज ओवर सिंपल सिंपल चीजें हैं राइट तो हमारा ये डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है ओके बेटा